हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल हिंदी मीडियम टेक में। आज हम बात करने वाले हैं एमआई एलईडी टीवी 4A प्रो 49 इंच के बारे में, जो एक फुल एचडी एंड्रॉयड टीवी है और काफ़ी अच्छे प्राइस पे आता है amazon.in पे। तो मैं जो है लिंक अमेज़न का नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप जो है सेम नेम मार के आप amazon.in पे से सर्च कर सकते हैं। तो इसी टीवी के बारे में हम बात करेंगे, इसके फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे, इसकी प्राइस क्या होगी वो बताऊंगा मैं। तो चलिए जो है वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो है स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी है ही। इसमें जो है डिस्प्ले है वो फुल एचडी प्लस एचडीआर डिस्प्ले है, जिसका साइज़ जो है 49 इंच है और रेजोल्यूशन जो है 1920x1080 पिक्सल्स है। तो ये जो है फुल एचडी डिस्प्ले है, 4K डिस्प्ले नहीं है, फुल एचडी जो है प्लस एचडीआर डिस्प्ले है। इसमें आपको 64 बिट का क्वाड कोर का प्रोसेसर मिल जाएगा। स्टीरियो आउटपुट जो है इसमें आपको स्पीकर्स में मिल जाएगा। जो स्पीकर्स हैं वो DTS HD हैं, तो इसमें जो है आपको साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी, डीपर और रिचर मिलेगी। और यहाँ पे 20 वॉट्स का जो है आउटपुट है दोनों स्पीकर्स को मिला के। इसमें आपको दो स्पीकर्स मिलेंगे, तो जो है 20 वॉट्स का आउटपुट है स्टीरियो स्पीकर्स का। इसमें आपको जो है पैच वॉल भी देखने को मिलेगा, तो पैच वॉल का मतलब जो है आप इसमें बहुत सारे कंटेंट्स जो है यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। गूगल वॉइस सर्च भी मिलेगा, तो गूगल वॉइस सर्च का जो एक बटन होता है वो आपको एमआई के टीवी के रिमोट में आपको मिल जाता है। तो सिंपली आप जो है उस बटन को प्रेस करके वहाँ से आप जो है गूगल वॉइस सर्च कर सकते हैं। तो इंग्लिश में जो ये जो है काम करता है, बाकी हिंदी या दूसरे लैंग्वेजेस में काम करता है या फिर नहीं वो मुझे नहीं मालूम है, पर जो है इंग्लिश में आप जो है वॉइस सर्च कर सकते हैं। ये जो टीवी है वो पूरा का पूरा एंड्रॉयड ओरियो पे बेस रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एंड्रॉयड है वो ओरियो है। तो यहाँ पे आप मूवीज़, शोज़, गेम्स, गूगल प्ले, यूट्यूब ये सभी जो है आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और जो है एंजॉय कर सकते हैं। सभी कंटेंट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया 64 बिट का क्वाड कोर प्रोसेसर है इस टीवी में, तो आपको जो 2GB की रैम मिलेगी प्लस 8GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा इसमें। इसमें आपको वाईफाई इनबिल्ट मिल जाएगा और जो है ब्लूटूथ का भी ऑप्शन है, तो जो है आप वाईफाई से आप कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास एक अच्छा वाईफाई ब्रॉडबैंड है। तो यहाँ पे आपको अच्छी स्पीड मिलेगी और जो है कंटेंट्स को क्लैरिटी में आप जो है देख सकते हैं। इसका जो डिस्प्ले है उसका रेजोल्यूशन मैंने आपको बताया 1920x1080 पिक्सल्स है। यहाँ पे आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, जिसमें आप सेट टॉप बॉक्स, ब्लूरे प्लेयर्स और गेमिंग कंसोल जैसे सभी चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और जो 2 USB पोर्ट्स मिलेंगे, जिसमें आप हार्ड ड्राइव और जो है दूसरे USB डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं और जो है एक्सेस कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे इस टीवी पे जो है आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है और जो है एडिशनल वारंटी आपको पैनल पे भी मिलता है 1 ईयर का। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये टीवी काफ़ी अच्छा है। इसकी प्राइसिंग जो है वो 29,999 रुपीस है, तो 30,000 में आपको ये जो टीवी है मिल जाएगा। ये करीब जो है 49 इंच का है, तो करीब करीब 50 इंच का टीवी जो है हो जाता है, जो बहुत ही बड़ा एक अच्छा सा टीवी होगा, आपको अच्छे प्राइस में मिल रहा है। तो ये टीवी जो है अच्छा ही है, बस ये 4K होना चाहिए था, पर इसमें जो है फुल HD प्लस HDR का डिस्प्ले दिया गया, तो जो है आपको पिक्चर की क्वालिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी और जो है साउंड क्वालिटी भी अच्छी है इस टीवी की। तो यहाँ पे अगर आप इस टीवी को, अगर आपको ये पसंद आए, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा नीचे, वहाँ डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से जो है सीधा amazon.in से इसे खरीद सकते हैं। और जो है इस टीवी को मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा अगर आप जो है एक अच्छे टीवी को जो है ख़रीदना चाह रहे हैं, अच्छा सा बड़ा स्क्रीन और अफोर्डेबल प्राइस में। तो 30,000 जो है इसकी प्राइसिंग है टोटल। तो इस रेंज में अगर आप जो है टीवी देख रहे हैं, तो इसे जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इस टीवी के सभी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया, इसकी फ़ीचर्स के बारे में। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।